ये स्कैम शायद बॉलीवुड के हिस्ट्री में सबसे बड़ा स्कैम है। 17 साल के उम्र में जेल जाने वाले चेन्नई के इस क्रिमिनल ने कैसे जैकलिन फर्नांडिस जैसी बॉलीवुड की अभिनेत्री को पटा लिया। बस जैकलिन ही नहीं, नोरा फतेही, जानवी कपूर और सारा अली खान भी इस मास्टरमाइंड क्रिमिनल के षड्यंत्र का शिकार बन चुके हैं। आज के इस वीडियो में पूरे स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे जेल में बैठे बैठे ही चेन्नई के सुकेश ने बॉलीवुड के अभिनेत्रियों के साथ इतना बड़ा स्कैम कर दिया। इससे पहले ये जान लेते हैं कि सुकेश चंद्रशेखर ने कैसे पहली बार क्राइम की दुनिया में अपना कदम रखा। सुकेश चंद्रशेखर सिर्फ 12वीं पास है, ये ना ही कोई हैकर है ना ही कोई आईटी प्रोफेशनल। सुकेश ने 17 साल के उम्र में स्कूल छोड़ दिया और स्कूल छोड़ते ही उसने पहला काम ये किया कि खुद को तमिलनाडु के सीएम के बेटे का फ्रेंड बोल के अपने ही एक फैमिली फ्रेंड को फ्रॉड कॉल करके उसके बैंक अकाउंट में 1.5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कर लिया था। जबकि उस जमाने में इंटरनेट इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं था, 2G नेटवर्क भी बस नया नया ही लॉन्च हुआ था, बस इंडिया के कुछ गिने चुने सिटीज में ही। लेकिन इस फ्रॉड के बारे में पता चलते ही पुलिस ने 17 साल के नाबालिग सुकेश को धर दबोचा। लेकिन तब तक सुकेश ने उन पैसों से लग्जरी कार्स, बाइक्स और वॉचेस खरीद चुका था। इस मामले में कुछ महीने मुकदमा चलने के बाद सुकेश को बेल में रिहा किया गया। जेल से रिहा होने के बाद सुकेश ने अपने काले कारनामों को बरकरार रखा। इसी बीच जॉन अब्राहम के साथ मद्रास कैफे मूवी में काम करने वाली एक्ट्रेस लीना मारिया पॉल को अप्रोच किया उसके मूवी में एज ए लीड एक्ट्रेस काम करने के लिए, और इस मूवी के खुद प्रोड्यूसर थे सुकेश। लेकिन कुछ टाइम बीतते ही लीना को ये एहसास हो गया था कि सुकेश झूठ बोल रहा है, वो कोई फिल्मों का प्रोड्यूसर नहीं है बल्कि वो लीना के साथ स्कैम कर रहा है। लेकिन अब तक मामला काफी आगे बढ़ चुका था, लीना सुकेश के बच्चे की मां बनने वाली थी, इसी के चलते लीना को सुकेश के साथ शादी करना पड़ा। 2007 के बाद 2013 में यानी करीब करीब 6 साल बाद सुकेश को फिर से पुलिस ने धर दबोचा। अब तक सुकेश 28 साल का हो चुका था। इस बार सुकेश के ऊपर कनाडा बैंक को 19 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप था। लेकिन इस बार सुकेश पुलिस के अधिकारियों को चकमा देते हुए मुंबई भाग आया। मुंबई आके सुकेश ने खुद को तमिलनाडु के एक्स सीएम के ग्रैंडसन बोल के करीब 100 से भी ज्यादा लोगों के साथ करोड़ों रुपए का घोटाला किया। लिमिट तो तब क्रॉस हो गया जब सुकेश ने किंग इन्वेस्टमेंट्स इस नाम से एक इन्वेस्टमेंट कंपनी खोल के ज्यादा रिटर्न्स देने का वादा करके लोगों से करीब करीब 10 करोड़ रुपए इकट्ठा किया और इन रुपयों को लेके वो रातों रात फरार हो गया। इसके बाद दिल्ली के एक 5-स्टार होटल से 2017 में फिर से 1.5 करोड़ के साथ पुलिस ने सुकेश को पकड़ा। इस बार सुकेश के ऊपर इलेक्शन कमीशन के साथ धांधली करने का आरोप था। AIADMK इस पॉलिटिकल पार्टी में जयललिता जी के निधन के बाद पार्टी दो हिस्सों में बढ़ चुका था, लेकिन पार्टी का मेन चुनाव चिन्ह दो पत्तों का सिंबल किस दल को मिलेगा इसको लेके बहस चल रहा था। और चुनाव चिन्ह को अपने नाम करने के लिए शशिकला के नेफ्यू दिनाकरन जी ने सुकेश चंद्रशेखर को 60 करोड़ रुपए पे किया था इलेक्शन कमीशन के साथ सेटलमेंट करने के लिए। लेकिन सेटलमेंट के पहले ही पुलिस ने सुकेश को पैसों के साथ जब्त कर लिया। आई डिडंट एवर कम इन माय लाइफ इन दैट नेम सुकेश चंद्रशेखर। अब आता है मामले में मेन ट्विस्ट। सुकेश के ऊपर 100 से भी ज्यादा मामले दर्ज थे। अब सुकेश को फाइनली दिल्ली के रोहिणी जेल पे कैद करके रखा था। लेकिन ठीक उसी समय जेल में शिवेंद्र मोहन सिंह, जो कि एक फार्मा कंपनी के मालिक और 2015 में इंडिया के टॉप 50 मोस्ट रिच पर्सन के लिस्ट में शामिल थे, उन्हें भी अपने ब्रदर के साथ झगड़े के आरोप में रोहिणी जेल पे ही कैद करके रखा था। इतना पैसों वाला आदमी सुकेश के साथ इसी जेल में मौजूद है, इस बात का भनक लगते ही सुकेश का मास्टरमाइंड फिर से चालू हो गया। अब सुकेश ने अपने ब्लैक मनी के पावर को यूज करते हुए जेल के ही 7 अधिकारियों को अपने टीम में कर लिया था। अब सुकेश के पास जेल में ही आईफोन से लेके तमाम लग्जरी आइटम्स मौजूद थे, और इन सभी लग्जरियों के लिए सुकेश जेल के अधिकारियों को 1 करोड़ रुपए पर डे पे करने का वादा करता है। अब सुकेश फोन में वॉइस मॉड्यूलेशन ऐप को यूज करते हुए शिवेंद्र मोहन सिंह जी के पत्नी के पास कॉल करता है, ये बोल के कि वो होम मिनिस्ट्री से बोल रहा है और पार्टी फंड में कुछ करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के बाद वो अपने पति के ऊपर लगे सारे एलिगेशन को हटा सकता है। सुकेश इतना प्रोफेशनली बात करता है कि शिवेंद्र मोहन सिंह जी की पत्नी भी उसके बातों में आ जाती है। इसके बाद ही धीरे धीरे कुछ महीनों में सुकेश और उसकी पूरी टीम ने, जिस टीम में उनकी पत्नी लीना मारिया पॉल भी शामिल थी, उन्होंने सभी ने मिलके शिवेंद्र मोहन सिंह के पत्नी से करीब करीब 200 करोड़ रुपए ठग लिए। लेकिन जब 1 साल बीतने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तब शिवेंद्र मोहन सिंह के पत्नी ने पुलिस के पास अपने साथ हुए इस ठग के इंसिडेंट को दर्ज करवाया। उनके इस एफआईआर के चलते पुलिस ने अगस्त 2021 को सुकेश चंद्रशेखर को अरेस्ट कर लिया। जेल में बैठे बैठे ही जब सुकेश ने
शिवेंद्र मोहन सिंह के फैमिली से 200 करोड़ रुपए लूटे थे, उसी दौरान उसने जैकलिन को भी अपने झांसे में ले लिया था। सुकेश ने काफी बार जैकलिन के मेकअप आर्टिस्ट के थ्रू जैकलिन से बात करने का कोशिश किया, लेकिन जब जैकलिन सुकेश से बार बार मिलने के लिए इनकार कर रही थी, तब सुकेश ने फिर से अपना भेद बदल के जैकलिन को दोबारा से कॉल किया। इस बार सुकेश अपने आप को होम मिनिस्टर का रिलेटिव और साउथ का पॉपुलर टीवी चैनल सन टीवी का ओनर बोल के जैकलिन के मेकअप आर्टिस्ट के पास इंट्रोड्यूस करता है। अब जैकलिन भी इतने बड़े आदमी से मिलने से इनकार नहीं कर पाती है। जब जैकलिन सुकेश के साथ मिलने जाती है, तब सुकेश अपने आप को सूरज बोल के जैकलिन के पास इंट्रोड्यूस करता है। वो जैकलिन को ये बताता है कि साउथ में वे जैकलिन को एज ए लीड एक्ट्रेस लेके साउथ में एक सुपर हीरो मूवी बनाने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें कि प्रोड्यूसर हैं खुद सुरेश। पहले मीटिंग में ही सुरेश के चिकनी चुपड़ी बातें और बहुत से महंगे गिफ्टों को देख के जैकलिन सुरेश उर्फ सुकेश के बातों में आ जाती है। ये सब बात है फरवरी 2017 का। इस दौरान भी सुकेश जेल में ही था, लेकिन बीच बीच में बेल लेके वो जेल से बाहर आता था। जेल से बाहर आके बेल के नियम को उल्लंघन करते हुए सुकेश जैकलिन फर्नांडिस, नोरा फतेही से तो मिलता ही है, इसके साथ साथ सारा अली खान, जानवी कपूर, निकी तंबोली, इन सभी एक्ट्रेसों से मिलने का भी कोशिश करता है। लेकिन जब फाइनली अगस्त 2021 में शिवेंद्र मोहन सिंह की पत्नी ने 200 करोड़ के मनी स्कैम का रिपोर्ट दर्ज करवाया, तब उस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जैकलिन को भी बुलाया गया पुलिस स्टेशन में। लेकिन जैकलिन सुकेश को जस्ट फ्रेंड बोल के इस पूरे इन्वेस्टिगेशन से बाहर हो जाती है। इन्वेस्टिगेटिंग टीम जैकलिन को एयरपोर्ट से पकड़ लेती है। इसके कुछ महीने बाद ईडी की टीम जैकलिन को जैकलिन एंड सुरेश के बीच में कुछ इंटरमीडिएट पिक्स शो करती है। अब जैकलिन पूरी तरीके से फंस चुकी थी। फाइनली वो ईडी के पास सब कुछ ओपनली बोलती है। जैकलिन ने इन्वेस्टिगेटिंग टीम को ये बताया कि सुकेश ने अपना नाम सुरेश बोल के जैकलिन को अपना इंट्रोडक्शन दिया। इसके अलावा वे जैकलिन को कहीं महंगे करोड़ रुपए के कार, लाखों रुपए के पेट्स, इसके अलावा जैकलिन के फैमिली मेंबरों को भी सुकेश लाखों रुपए का लोन दे चुका है। लेकिन जैकलिन को सच में सुकेश के इन सभी स्कैमों के बारे में नहीं पता था। जैकलिन सुकेश को एक बिजनेसमैन सोचती थी, लेकिन सुकेश तो जेल में बैठा हुआ एक शातिर अपराधी निकला। जैकलिन के हिसाब से जैकलिन इस केस में दोषी नहीं है, बल्कि वो एक विक्टिम है। अब वो सरकारी गवाह बनने के लिए भी तैयार है। इसके अलावा पुलिस ने नोरा फतेही से एक BMW कार भी जब्त किया है। सुकेश की पत्नी लीना मारिया पॉल भी इन सभी स्कैम्स में बराबर का हिस्सेदार रही थी। उन्होंने अपने पार्लर के लॉन्च पे जानवी कपूर को 19 लाख का पेमेंट करके अपने पार्लर के इनॉग्रेशन में बुलाया था। इसके साथ साथ उन्हें लाखों रुपए का एक बैग भी गिफ्ट में मिला था। इसके अलावा सुकेश ने सारा अली खान को इम्प्रेस करने के लिए सारा को करोड़ों रुपए का कार गिफ्ट करने का इच्छा जताया था एज ए फैन ऑफ सारा अली खान, लेकिन सारा ने समझदारी दिखाते हुए कार लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद सुरेश सूरज बन के सारा को एक चॉकलेट का बॉक्स और लाखों रुपए का वॉच गिफ्ट में देता है। लेकिन इसी दौरान ही किसी दूसरे मास्टर प्लान को अंजाम देने से पहले पुलिस सुरेश को पकड़ लेता है। अब स्कैम किए हुए मनी को रिकवर करने के लिए पुलिस सुरेश के सारे प्रॉपर्टीज को तो जब्त करता ही है। इसके साथ साथ सुरेश ने अब तक जिस को गिफ्ट दिया है, यानी जैकलिन, नोरा के साथ साथ जिस एक्टरों को महंगे महंगे गिफ्ट मिले हैं, उन सारे महंगे आइटम्सों को जब्त करके पुलिस सारे पैसों को रिकवर कर रही है। इसी के साथ साथ सुरेश की वाइफ लीना मारिया पॉल भी सेम जेल में ही डिफरेंट काल कोठरी में एज ए क्रिमिनल मौजूद है।